और भी एक दो चीजें थी बहुत जरूरी जो लेकर आनी थी, सो लाऊंगी। लेट गई और लेटे लेटे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। व्लॉग भी प्रॉपर टाइम पर नहीं आ रहे हैं, सो सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे मिश्का लेके आई है। हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद आवर न्यू व्लॉग। और गाइस सुबह के बज चुके हैं 10:30, तो आज के न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। गाइस सो आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि कल घर से आने के बाद ना नेक्स्ट डे दो हम सब की इतनी हालत ख़राब हुई, तनिष्का मिश्का और मेरी, मतलब इतनी ज़ोर से ठंड लग गई थी वहाँ इंडिया गेट पे ना, ऑटो में भी इतनी हवा लग रही थी ठंडी ठंडी। एक तो उस दिन इतना मतलब इतना कोल्ड डे था, इतना ही ठंड का मतलब बहुत टेम्परेचर लो था और इतनी ज़्यादा ठंड थी उस दिन और हमें पता नहीं था। हम लोग निकल तो गए घूमने के लिए बट वहाँ से आए तब भी ठीक ठाक थे, बट जो ऑटो में हवा लगी ना, कहते हैं ना कि थोड़े टाइम के बाद वो असर करती है, तो बस नेक्स्ट डे से हमारी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि हम लोग बुखार में फीवर में पड़े रहे हैं। कल जाकर दवाई लेके आए हैं तो अब थोड़ा सा बेटर है, तीनों की तीनों अब थोड़ी हालत सही है। सो बस अभी मैं जल्दी जल्दी घर का काम भी कर रही थी बिकॉज़ कल कुछ नहीं हो पाया, कल पूरा दिन रेस्ट किया बुखार में और ना ही व्लॉगिंग हो पाई ना ही कुछ हो पाया। सो अभी मैं जल्दी जल्दी अपने घर का काम कर रही हूँ और तनिष्का मिश्का को भी दवाई का टाइम हो गया है तो मैं भी अपनी दवाई खाती हूँ। यहाँ पे देखिए सुबह हो गई है और हम लोग ना आ चुके हैं नाश्ता करके धूप सेकने के लिए। धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकली हुई है, मैंने बेडशीट भी सुखा दी है, पिलो कवर भी सुखा दिया और यहाँ तनिष्का मिश्का की हो रही है पढ़ाई दोनों की। देखिए गर्ल्स क्या कर रहे हो आप दोनों? सो गाइज ये दोनों अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर रही है, पूरा एक हफ्ते के बाद ये दोनों होमवर्क करने बैठी हैं, एक हफ्ते के बाद है ना, एक हफ्ता छुट्टी बना ली है इन्होंने, खूब घूम आए फिर आए, उसके बाद तबीयत खराब हुई। ठीक है, और मिश्का अपनी बुक कंप्लीट करने में लगी हुई है, क्योंकि मेरी, कर लो। क्योंकि जो मेरी स्वाती मैम उन्होंने मुझे ये वाली बुक दिया और वो ने ऐसे कुछ ना ऐसे वो डंडी दी थी उसने ना गणेश जी बने आए थे तो मेरी मम्मा देखकर ना बहुत ज्यादा ना खुश हो गई। उसको कह रही मुझे नींद आ रही, पढ़ाई के टाइम पे ही वॉशरूम आता है नींद आती है। चलो करो करो, क्या कैसे लिखना है, वेयर कैसे लिखना है? अच्छा लिखो, पहले लिखो वेयर थिंग्स, ईट थिंग्स एंड विंटर वेयर थिंग्स, ऐसे लिखो ना हेडिंग डालो। विंटर वेयर थिंग्स, विंटर ईटिंग थिंग्स, हाँ, और विंटर ड्रिंकिंग थिंग्स, ड्रिंकिंग थिंग्स, हाँ। गाइज धूप इतनी अच्छी निकली हुई है ना, मैं इन दोनों को छोड़ने आई थी, मेरा घर में अब इतना सारा काम रहता है और मैं यहीं खड़ी हो गई हूँ धूप सेकने के लिए और बहुत ही अच्छी लग रही है, जाने का मन नहीं कर रहा है धूप से। और दो दिन के बाद गाइज आज थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है बिकॉज दो दिन से तबीयत इतनी ख़राब हो रखी थी, इतनी ख़राब हो रखी थी कि मैं क्या ही बताऊँ, प्रॉपर व्लॉग शूट भी नहीं हुआ है। सो ये मॉर्निंग का दो दिन का व्लॉग आपको एक साथ में दिखने वाला है हमारे व्लॉग में। और अभी व्लॉग की एंडिंग, गाइस मम्मी ना ये ना आपको ना मार्केट गई थी और ये ना ये वाली ना लॉलीपॉप लाई थी, इसके अंदर ना लाइट भी जलते और इसे आराम से खा सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर ना बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है बट मार्केट जाना ही था, घर का सामान लेके आना था। ये कैंडी है ना?
सो गाइस, मैं कह रही थी घर का सामान लेके आना था, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो घर में लाने की थी, सब्जियां अभी सारी खत्म हो गई थी और भी एक दो चीजें थी बहुत जरूरी जो लेकर आनी थी, सो वो मैं लेकर आई हूँ, साथ में इन दोनों की चीजें भी लेकर आई हूँ। और गाइस बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है, बहुत ही ज्यादा ठंड है, मैं क्या ही बताऊँ कितना लाइट जलती है। और गाइस इन दोनों को ना अपनी लाइट वाली कैंडीज मिल गई है, देखिए दोनों जलाकर दिखाएंगे, अभी जलाकर दिखाओ। ठीक है जली। और गाइस देखिए इसमें ना लाइट जल रही है इनकी कैंडीज में, कैंडीज इनको लाइट वाली कैंडीज मिल गई है दोनों को। ये देखिए हाँ, ये बाकी की फ्रिज में रख दो बेटा, है ना। और गाइस सारी सब्जियों को अनपैक करते हैं, मैं लेके आई हूँ पालक, मेथी, और मैं लेके आई हूँ क्या था हूँ जिसकी चटनी बनती है ना, वो लेके आई हूँ, चटनी बनाने वाली हूँ धनिया और सरसों वाली, और सारे लहसुन भी ख़त्म हो रखा था, लहसुन भी लेके आई हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेकर आई हूँ मैं। और सब्जी मार्केट में जाओ ना तो ग्रीन ग्रीन सब्जियाँ देख के और तो मन करता है ये भी ले लो वो भी ले लो, करेले इतना लेने का मन था, बट अभी तबीयत ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाऊँगी तब भरवा करेले दोबारा से बनाऊँगी। सो अभी फिलहाल गर्म और तनिष्का को करेले का जूस पिलाऊँगी। तनिष्का एक दिन हम ना करेले का चैलेंज करेंगे, ठीक है तनिष्का, करेगी करेले का जूस पीना पड़ेगा। बिल्कुल गोलगप्पे के पानी की तरह तो होता है तनिष्का। और गाइस ये तो मैंने दिखाया नहीं, मैं इनके लिए ना ये टेडी बेयर वाली भी लेके आई हूँ, देखिए स्क्वायरल स्क्वायरल वाली ना ये कैंडीज है, देखिए कितनी। और गाइस दो दिन से घर में बंद थे और आज जैसी बाहर निकली हूँ तो इन लोगों के लिए सबसे पहले इनका सामान आया है, और ये देखिए क्या क्या चीजें इनकी आ चुकी हैं। और गाइस आज मैं लाई हूँ गर्मा गर्म डोसा, बिकॉज डोसा सांभर और डोसा खाने का ना बहुत दिन से मन कर रहा था। मोमोज चाउमीन और मोमोज चाउमीन और क्या खाया था हमने, वो रोल है ना, रोल खाया था ना चिकन रोल, वो तो खा खा के हम लोगों का पेट भर चुका है, बट आज वेज थोड़ा सा खाते हैं और साउथ इंडियन खाते हैं, क्योंकि सर्दी में गर्मा गर्म डोसे का और वड़े का ना अपना अलग ही मज़ा है। तो जल्दी से पहले गर्मा गर्म डोसा इंजॉय करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। हे गाइस सो आई एम बैक नाउ, और यहाँ पे रात के बज चुके हैं 8, और काम वाम करके डिनर विनर करके ना मैं जस्ट दवाई खाकर सो गई थी, और सोते सोते कब 8 बज गए पता ही नहीं चला। सो मैंने सोचा कि व्लॉग कंटिन्यू करते हैं गाइस, और दो दिन से हो ये रहा है कि तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है, मैं घर का काम करने लग जाती हूँ, जैसी काम करती हूँ पानी में हाथ जाता है, फिर तबीयत दोबारा ख़राब हो जाती है, मतलब दो दिन से ऐसे ही हो रहा है, अभी तक तबीयत प्रॉपर ठीक नहीं है, बट काम भी करना ज़रूरी है और इसी वजह से व्लॉग भी प्रॉपर टाइम पर नहीं आ रहे हैं, सो सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे मिश्का लेके आई है मेरे लिए कैंडी, ये देखिए, और दवाई खा के गई, मतलब दो दिन के बुखार में ना वीकनेस इतनी हो गई है, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है कि पता ही नहीं चल रहा है। बस अभी खाना खाना खा के सो गई थी, अब भूख लग रही है, मैं सोच रही थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ अपने लिए गर्म गर्म, क्योंकि गले में खराश भी है अभी। और तनिष्का मिश्का ने खा लिया है आज इनके लिए, जैसे कि अभी आपने देखा मैंने फ्रेंच फ्राइज भी बनाई थी, और इतनी ज़ोर से ठंड लग रही थी गाइस कि मैं ना हीटर चला कर और लेट गई, और लेटे लेटे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सो गाइस अभी एक दो दिन और ऐसे ही रहेगा, आई होप फिर एक दो दिन के बाद से आपको प्रॉपर टाइमिंग पे व्लॉग मिलेंगे, और प्रॉपर अच्छे से दोबारा से धमाल मचाएंगे, दोबारा से एंटरटेन करेंगे आपको बहुत ही फॉर श्योर। और अभी फ़िलहाल आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और जाते जाते जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, और वही बस डेली रूटीन का व्लॉग आएगा अभी एक दो दिन के लिए, बिकॉज अगर व्लॉग नहीं भी आते तो आप समझ लेना कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि दो दिन प्रॉपर रेस्ट कर लिया है और बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, तो कोशिश पूरी यही करेंगे कि अब डेली डेली व्लॉग आए। सो बाय बाय गाइस, जय श्री कृष्ण।